दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो यार आज हम एक नए व्लॉग में, तो मैं आज बताऊंगा आपको कि अपने डॉग की डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं। आज मैं ये टैबलेट लेके आया हूँ उसके लिए। ये टैबलेट मुझे मिली है अराउंड 120 रुपए की, और ये है 30 केजी पे एक दवाई देते हैं इसको। तो मैं आज आपको बताऊँगा डीवॉर्मिंग किस तरीके से दवाई दी जाती है अपने डॉग को, और डीवॉर्मिंग क्यों करते हैं। डीवॉर्मिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जैसे डॉग के पेट में वॉर्म्स होते हैं, तो उस वॉर्म्स को कैसे दूर करें। जैसे वो जो कुछ भी खाएगा तो उसको लगेगा नहीं, उसका वेट नहीं गेन होगा और उसकी क्वालिटी नहीं बनेगी जो उसकी क्वालिटी होती है। तो उसके लिए डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हर दो ढाई महीने तीन महीने में एक बार करता हूँ मैं अपने डॉग की। तो आज उसकी करता हूँ तो दिखा यार। ये है कुछ दवाई अपनी ना, ये लेके आया था मैं, आप देख लेना कौन सी है। मुझे 120 रुपए की एक गोली मिली है ये, जो अपन 30 केजी पे एक दवाई देंगे। और ये है हमारी जूसी, मिलवाता हूँ आ जाओ आपको इनसे। ये दोस्तों हमारी जूसी, ये अभी 4.5 साल की है और काफ़ी समझदार है। सिट, नो नो, रे सेकेंड, फर्स्ट, गुड, बार्क, ए श्रम, सिट सिट, ए बार्क, गुड। तो यार क्या करना है ना हमको, ये दवाई लेनी है पहले, ठीक है। और इसको वैसे देने को तो हम इसको रोटी के साथ भी दे सकते हैं या फिर चूरा करके भी दे सकते हैं। तो क्या है ना, इतना इफेक्ट नहीं करता वो जितना ये डायरेक्ट करेगा। तो इस दवाई को ऐसे लेना है और अपने स्किमली में रख लेना है, और फिर जैसे मैं उसको बुलाता हूँ जूसी को, फिर उसको दे देनी है। देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे रख लिया। देखो दोस्तों, ये बैठी है सामने, अब मैं इसको दवाई देता हूँ। देखो दवाई मैंने बताया था ना, ऐसे रखनी है आपको। जब आपने रख ली, उसका मुँह पकड़ोगे थोड़ा सा, ऐसे हाथ अंदर दिया तो मुँह बंद, एक बार ऐसे करो बस, दवाई अंदर गई। कुछ नहीं, सिंपल सा है, एक दो बार इसके ऐसे ऐसे कर देना दवाई देने के बाद, तो दवाई अंदर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ले ली इसने दवाई। देखा दोस्तों, बहुत बहुत ही ईजी था यार ये दवाई देना, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। हम जब रोटी में देते हैं ना, तो फिर इतना वो वर्क नहीं करता जितना आप करेगा। और अब मैं एक चीज़ बताऊँ, इससे फ़ायदे क्या क्या हैं। इसका जो हेयर फॉल है ना, वो कम होगा, और इसके जो इसकी एक बढ़िया ग्रोथ होगी ना, उससे होगी। खाना जो खाएगी वो इसके लगेगा और असर दिखाएगा। तो इसलिए डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने डॉग की किया करो अगर आप कोई लाए हो। और अगर पपी है 10 kg से नीचे, तो उसको लिक्विड फॉर्म में देनी होती है, और अगर 10 kg से ऊपर है तो उसकी दवाइयाँ मतलब टैबलेट में आ जाती है। तो वीडियो यही थी।